पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। ओ नीना, नीना सुन, क्यों, क्या बात है मुन्नी? देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साफ चीनी मक्खन सब चीज ले लिए। चल रोटी का खेल खेले। हाँ खूब मजा आएगा, चलो इन लोगों को भी बुला ले। अरे चुन्नू सुना, इस खेल को खेलते हुए बहुत देर हो गया, हम रोटी का खेल खेलेंगे। हाँ बहुत मजा आएगा। अच्छा अच्छा चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साफ सब्जी लाने का काम करना। नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाते हैं, जब इनसे आग जमनी जलेगी तब मजा आएगा। तो तू क्या समझती है, हम आग नहीं जला सकते? चलो टिंकू, आज इन्हें दाल बना कर ही दिखा देंगे। क्यों? हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। तू सल्ला, तू क्या करेगी? भाई मैं तो दही का मट्ठा जला दूंगी। और सल्ला तू? मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी। ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रही से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो मिठाया खट्टा। क्या देखेगी इस मट्ठे का बिया स्वाद, खाकर सब करते हैं यार। यालो चिन्नू टिंकू आए, क्या देखो क्या तरकारी लाए। पीट रही है दुख, मुझे लगी करारी भूख। बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ, हांडी में दाल पकाओ। अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। दोनों आग जलाने फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगलियां जल जाती हैं। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अरे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चिन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चिन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, वह चारों ओर देखती है तो होंठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, आहा मक्खन कितना सारा, चर्चा चक्कर करो किनारा, है जी क्या पर यहाँ क्या रखा, आम रही का आगे में जगा, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है, मक्खन रोटी चावल दाल जी पर खाया कितना माल, और वह देखो मुन्नी चुन्नी टिंकू बेचारे घरा न रहे बेचारे, अब जो कैसे शटपट भागो इन आंसू को समक्ष गाऊं। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, ओ चिन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन अंगड़ाई? अरे जरा छीके तो भी जाना, रोटी का पता लगाना, ना रोटी ना दूध मिलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी, खा गई बहुत। क्या कहा, बिल्ली आई आधी खा गई रोटी, खा गई बहुत। चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाए। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भाग रहे हैं। पर्दा गिरता है।